चुनाव में हर नेता की कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता उसके पक्ष में मतदान करके उसके सर जीत का सेहरा बांधे। इसके लिए पार्टी स्तर पर देखें तो कांग्रेस और भाजपा के बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक सभी रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, नुक्कड़ से लेकर बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही हैं। लेकिन इसके अलावा भी काफी कुछ ऐसा हो रहा है जो अपने आप में काफी रोचक है। वोटरों का दिल लुभाने के लिए नेता और भी कई तरह के काम कर रहे हैं और उनका मकसद जनता को आकर्षित करना है। ऐसे दो नेताओं के बारे में हम आपको बताते हैं। एक हैं सांची विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और दूसरे हैं सुर्खी से भाजपा उम्मीदवार गोविंद सिंह राजपूत। दोनों ने ही जनता को लुभाने के लिए अलग अलग तरह के काम किए। प्रभुराम जहां अखाड़े में उतर पड़े तो वहीं गोविंद सिंह राजपूत तो बुंदेलखंडी लोकगीतों पर डांस करते हुए नजर आए। पहले बात सांची से भाजपा प्रत्याशी की, आइए पहले हम आपको उनका ये वीडियो दिखाते हैं। तो जनता के बीच वोट मांगने पहुंचे नेताजी ने दंगल में उतरकर खूब करतब दिखाया। वैसे भी उपचुनाव में सांची सीट पर भाजपा और प्रभुराम चौधरी दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी, तो वो हर वो काम कर रहे हैं जिससे जनता को आकर्षित किया जा सके। अब बात करते हैं एक और प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत की। ये भी सुर्खी से भाजपा के प्रत्याशी हैं। इन्होंने तो चुनाव प्रचार में जनता को लुभाने के लिए बुंदेलखंडी लोकगीतों की धुन पर डांस करना ही शुरू कर दिया। गोविंद सिंह का डांस और प्रभुराम का लाठी चलाना जनता को कितना पसंद आता है ये तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन इनके अलावा भी कई ऐसे नेता हैं जो वोट मांगने के लिए कई तरह के रोचक काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी भारत।